अस्सलाम वालेकुम, ज़फ़र सिक्योरिटीज़ के प्लेटफॉर्म से हम लाइव हैं हमारी टेक्निकल रिसर्च टीम के साथ, जो बताएंगे हमें मार्केट के हालात। और जानते हैं नईम सर से कि आज वॉल्यूम लीडर शेयर्स कौन से रहे और आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया। जी सर, हाँ जी, मार्केट ने आज 244 पॉइंट्स का इजाफा किया अपने कारोबार के इख्तिताम तक। 147,239 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इसके साथ साथ आज वॉल्यूम में थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिली, 151 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। कल जो कि हमने देखा 144 मिलियन शेयर्स तक महदूद रहा था। जी सर, कौन सी सिचुएशंस हैं जो मार्केट पर फ्लक्चुएट हो रही हैं इन दिनों, जैसे पॉलिटिकली भी वर्स सिचुएशन चल रही है, तो मार्केट इससे कितनी किस हद तक असर हो रहा है इसमें? पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रही है इस वक्त मार्केट को, जिसमें आपने देखा कि पिछले हफ्ते जो FATF के हवाले से एक रूमर्स गर्दश में थी, जिसका कुछ एंकर पर्सन ने मिस इंटरप्रेट किया उसे, और गलत रिपोर्टिंग और प्रीमेच्योर रिपोर्टिंग के बायस काफ़ी पैनिक फैलाई सरमायाकारों के दरमियान, जहां पर हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी गिरावट देखी गई उसकी वजह से। उसके फौरन बाद हमने देखा कि कुछ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी रिसेंटली जो पंजाब डेवलपमेंट कंपनी के की जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो उसकी वजह से काफ़ी पैनिक देखने को मिली। अलबत्ता इस वक्त प्लस जोन में बन गई। जी, वॉल्यूम लीडर्स में आज बाइको 15.5 मिलियन शेयर्स के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट रहा। इसके साथ साथ एग्रीटेक लिमिटेड 14.5 मिलियन शेयर्स, अजगर 9.8 मिलियन शेयर्स, दो स्टील 7.8 मिलियन शेयर्स, और एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स आज 4.8 मिलियन शेयर्स के साथ। जी, और नेम सर, नेक्स्ट वीक और कमिंग डेज में कैसा मार्केट को देख रहे हैं? ये पॉजिटिव ही हमारे बिहेव करती रहेगी या माइनस में फिर से इसके सेशंस होने के इम्कान हैं? जी, टेक्निकली तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मार्केट मुस्बत बिहेव कर सकती है। अलबत्ता जो मार्केट का टर्नओवर है, मार्केट की जो पार्टिसिपेशन है, वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जो टेक्निकली 100 इंडेक्स की करंट रेजिस्टेंस है, वो एक डाउन ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, 43,540 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। जी, तो ये फ्रेश बाइंग के लिए बताइएगा, क्या किस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इस टाइम में फ्रेश बाइंग बनती है? फ्रेश बाइंग के लिए आप ऑयल सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर, इन दोनों को लीव कर सकते हैं, इनके अंदर फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं। जी, अहमद अजीज साहब, वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच। और तैयब, एस आर वी आई एंड कोहार्ट सीमेंट के बारे में बताइएगा, पैकेजेस टारगेट आल्सो। जी, पैकेजेस जो है इसके जो इब्तदाई टारगेट प्राइस होगा वो 560 से 570 रुपए के ऊपर होगा। यहाँ पे स्टॉक को थोड़ी सी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, सो इस रेट को अभी आप इसको होल्ड कीजिए पैकेजेस को थोड़े अरसे के लिए। जी, एजीएल एंड बाइको की सपोर्ट बताइएगा। जी, AGL जो है इसमें करंटली हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, स्टॉक जो है काफी रैली कर चुका है पिछले 3 से 4 सेशन के अंदर, सो करंटली हमें उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी। और बाइको जो है इसका जो इब्तदाई टारगेट प्राइस होगी 17.5 से 18 रुपए के ऊपर। SSGC की रेजिस्टेंस क्या होगी? SSGC जो है उसकी जो इब्तदाई रेजिस्टेंस है वो 37 से 38 रुपए के ऊपर मौजूद है। स्टॉक को इस रेट पे थोड़ी रिजिस्ट का सामना है, सो इस रेट के ऊपर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को सेल कीजिए। पहल बाइंग भी बताइएगा, और इसके लिए जो न्यूज की थी कि 33 मंथ्स इसके साथ ट्रेडिंग नहीं होगी, इस न्यूज के लिए
जी अभी जो है इससे नेक्स्ट न्यूज अभी तक कोई आई नहीं है मार्केट के अंदर. सो अभी पेल के अंदर आप फ्रेश लाइन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और इसके जो इनिशियल सपोर्ट होगी वो 44 से 45 रुपए के ऊपर होगी. और ई फोर्ट्स जी एग्रो फोर्ट जो है उसका जो इब्तदाई टारगेट प्राइस है 95 रुपए के ऊपर मौजूद है. ठीक है. और जैसे कि पेल की बाइंग तो हमें नहीं करनी चाहिए, सेल करना चाहिए या अभी होल्ड रखना चाहिए? जी अभी 1 से 2 सेशन मजीद आप वेट करें. अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप उसे थोड़ा होल्ड रखें और जो 2 से 3 सेशन आने वाले हैं उनके अंदर इसके ट्रेंड को व्यू करें, देन आप सेल और बाय का डिसीजन लें. एएनएल टारगेट प्राइस जी एएनएल जो है उसके जो करंट रेजिस्टेंस है स्टॉक की अब 19.5 से 20 रुपए के ऊपर मौजूद है. ठीक है. और बाइको में बाइंग बनती है क्या? जी बाइको में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं. ठीक है. सिंह को होल्ड करना चाहिए या सेल? जी सिंह के अंदर अभी शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अभी करंटली. ठीक है. फराज शेख साहब पूछते हैं एजीएल टारगेट प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म. एजीएल की जो करंट रेजिस्टेंस है अभी जो हालिया रैली की है 8.5 से 9 रुपए के दरमियान है. सो अभी शॉर्ट टर्म के लिए इसको आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए वो ज्यादा बेहतर होगा. जी. और असद अकरम पूछते हैं दो स्टील का फ्यूचर क्या है? जी दो स्टील को आप 11.5 से 12 रुपए के ऊपर जो है इसकी फ्रेश बाइंग कीजिए. जी. एंड डीएफएमएल टारगेट प्राइस एंड एफएफएल. जी दीवान फ्रूट मोटर जो है स्टॉक को इनिशियली जो रेजिस्टेंस है 44 से 45 रुपए के ऊपर मौजूद है. सो स्टॉक जो है काफी रैली कर चुका है पिछले लास्ट कुछ सेशंस से. सो अभी इसको थोड़ा रेजिस्टेंस का सामना है मार्केट के अंदर, थोड़ा सेलिंग प्रेशर इसके अंदर. सो अभी भी आप जो है इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं तो फिर इसको होल्ड कीजिए. और फौजी सीमेंट जो है इसको फौजी फूड जो है सॉरी इसके अंदर भी आप करंटली प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कीजिए ताकि मजीद जो है स्टॉक थोड़ा सा अगर डिप ले तो दोबारा बाय कर सके. जी. और अहमद अजीज साहब पूछते हैं पीएकेटी एंड विथ बाइंग रेट गाइड करें. पीएकेटी जी अभी जो स्टॉक है उसकी जो इतना टारगेट प्राइस होगी 2250 रुपए के ऊपर. जी. असर साहब डीएसएल का फ्यूचर तैयब ने अभी बताया है नहीं सर, टीपीएल टारगेट प्राइस पर 1 मंथ बताइएगा. जी टीपीएल का जो करंट रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 9 रुपए के आसपास है जबकि इसी इस नाम में स्टॉक 7 रुपए पर एक सपोर्ट को बनाए हुए है. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्ते स्टॉक इसी रेंज में बसर करेगा. जी. एएसएल एंड रेडको टारगेट एंड बाइंग बताइएगा सर. जी एएसएल आप बाई कर सकते हैं कोई 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ. अलबत्त रेड को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. जी नेम सर एच कार एंड पॉल टारगेट प्राइस बताइएगा. एच कार तो फिलहाल एक 500 रुपए का इब्तदाई सपोर्ट को ब्रीच किए हुए है. जी फिलहाल नई सपोर्ट के तैयार तक इंतजार करना चाहिए, नई सरमायाकारी नहीं करना चाहिए. अलबत्ता जो पाकिस्तान ऑयल फील्ड है उसका करंट टारगेट 635 रुपए के आसपास. जी पीपीएल एंड शेल फ्यूचर बताइएगा सर. हाँ जी पीपीएल भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में काफी गेन करेगा. जी. इसके साथ साथ शेल का भी काफी एक बाउंस बैक लेने की तो काफी